मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। तो मेरा नाम है शिवम शुक्ला और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ओपी गुप्ता थर्मोडायनेमिक्स। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पूरे देश से और देश से बाहर कम से कम 10 कंट्रीज से हमारे ओपी गुप्ता के पुराने कंटेंट को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू मिली। ऐसे कंटेंट जिसमें ऑडियो वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, बट उस कंटेंट की वैल्यू को पढ़ने वालों ने बहुत समझा और उसकी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की। तो इसी वजह से हमने क्या किया है, डिसीजन लिया है कि आप सभी के लिए हम ओपी गुप्ता को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो हमने केमिकल टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो गया है, मैकेनिकल ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है, MEB स्टार्ट हो गया है, फर्टिलाइजर 221 क्वेश्चन हो गए हैं। और इस तरीके से आप ये मान लीजिए, और 5 सब्जेक्ट पुराने अवेलेबल हैं, 6 सब्जेक्ट। तो ऐसे मान लीजिए अगर किसी एग्जाम को देना है आपको, तो कंटेंट हमारे पास मोर देन सफिशेंट है। हमारे ओपी गुप्ता के स्टार्टिंग के या किसी के भी 100 क्वेश्चन कम से कम 300 लेकर 400 क्वेश्चन के बराबर होते हैं। हम बहुत वैरायटी को लेके क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हैं, जिससे कि स्टूडेंट के जो डाउट हैं वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाते हैं। बहुत ही सुपर कंटेंट है। अगर आप एग्ज़ाम कोई देने वाले हो और 10 दिन बचे हुए हैं, तो आपसे हम जरूर कहना चाहेंगे कि आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, और उसके बाद हम जो कंटेंट देंगे उससे आपके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज थर्मोडायनेमिक्स ओपी गुप्ता। आप सभी लोग अनुरोध करेंगे हम कि ओपी गुप्ता साहब की जो बुक है उसका 18th एडिशन आपको लेना है, और नेसेसरी है, लेना ही है, और इसको पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक, हम एक तरीके से क्या है कि इनकी बुक को फिलहाल पढ़ा रहे हैं, तो हम यही कहेंगे आप इनकी बुक जरूर खरीदें और उसके बाद पढ़ाई करें। चलिए, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की प्रॉपर्टीज को देखें, कैरेक्टरिस्टिक को देखें, तो हम कई तरीकों से डिफाइन करते हैं। उनमें से पहला एक तरीका है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं किसी भी सिस्टम की। सिस्टम का मतलब है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन का सेट। तो किसी भी सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके अमाउंट यानी मास पर डिपेंड करती हैं, उनको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर मास ज़्यादा है तो वो प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, अगर मास कम है तो कम होगी। जैसे कि हम बात करें वेट की, तो वेट जो है वो मास पर डिपेंड करता है, W=mN2g। ठीक, हम बात करें टोटल एनर्जी की, एंथैल्पी की, तो एंथैल्पी मास पर डिपेंड करता है। अगर जितना मास बढ़ाते जाओगे तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी। तो सारी प्रॉपर्टी जो कि मास पर डिपेंड करती हैं, तो उनको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ से हम पहला क्वेश्चन देखें, विच आर द फॉलोइंग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। तो हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी का मतलब है CP। ठीक, CP जो आपने देखा ना, Q=mS, अगर आप ऐसे बोलते हो तो ए वाली एस, ठीक, एम के साथ में जो मल्टीप्लाई है, देखो Q=mCp∆T। ठीक, तो mCp∆T, तो यहाँ पर जो है हमने देखा कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है खाली CP, इसमें अगर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक वैल्यू बनेगी, और इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। ठीक, क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। तो इस हीट कैपेसिटी बोलते हैं CP। अगर हम पर यूनिट मास ले लेते हैं, तो उसके लिए अगर पर यूनिट मास है, पर यूनिट मास CP या पर यूनिट मास, दैट इज कॉल्ड मोलल हीट कैपेसिटी। इनके साथ मास, तो इनके साथ मोल, तो मोलल हीट कैपेसिटी जो है वो स्पेसिफिक हो गई है, एक डिफरेंट अमाउंट के लिए हो गई है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रॉपर्टी है अगर वो स्पेसिफिक हो जाए विद रिस्पेक्ट टू मास या विद रिस्पेक्ट टू मोल, तो हम बोल सकते हैं कि वो सभी सभी एक्सटेंसिव से हटके इंटेंसिव हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने आपको स्मॉल एच के बारे में बोला था लेक्चर में, थ्योरी पढ़ाया था वहाँ पर बताया था, तो
तो ए प्रॉपर्टी जो है वो इंटेंसिव है, कंसंट्रेशन जो है वो डिपेंड नहीं करता मास पे, मटेरियल ज़्यादा हो या कम हो, इसलिए ए भी ऑप्शन नहीं है। प्रेशर जो है वो पार्टिकल डेंसिटी होता है, पार्टिकल डेंसिटी, डेंसिटी मतलब वो डिपेंड नहीं करता मास पे, डेंसिटी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अगेन प्रेशर इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओनली हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू मास, ठीक। इसे हम ऊष्मा धारिता कहते हैं, क्या बोलते हैं, ऊष्मा धारिता, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी दो चीज, हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी वो क्या है, एक्सटेंसिव है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर मोल ही मतलब टू मास आर मोल, तो वो इंटेंसिव है। तो पहले का राइट आंसर है ए। चलिए तो हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें जो मैंने एक्सप्लेन किया तो उससे आप आइडिया लगा लिया होगा आपने कि हम किसी भी क्वेश्चन की जो एवरी डायमेंशन है उनको टच करते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी कौन सी है, पहला कंसेंट्रेशन, दूसरा मास, तीसरा टेम्परेचर और चौथा है एंट्रोपी। तो इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे सर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीन को हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। मेनली ये तीन जो है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, वो थर्मल प्रॉपर्टी नहीं कहते, इन्हें सिस्टम की प्रॉपर्टी बोलते हैं। किसी भी सिस्टम की जो मेन प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है, इनको क्या बोलते हैं, सिस्टम्स प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। किसी भी सिस्टम की ये मेन प्रॉपर्टीज हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक। ये बात आपने पढ़ी होगी, ये क्या, इन्हें हम मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम भी कहते हैं। दूसरे तरीके से हम डिफाइन करें, इन्हें कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा किताबों में कहा जाता है। एक सेकंड टाइप है, जो पहला टाइप था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम करके, दूसरा तरीका था कि एक्सटेंसिव है या फिर इंटेंसिव है, इस तरीके डिफाइन किया जाता है, ठीक। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि किसी भी थर्मल सिस्टम की दो प्रकार की प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव या फिर इंटेंसिव, इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं। और तीसरा और महत्वपूर्ण जो तरीका है वो हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, स्पेसिफिक। हम उन्हें सिस्टम प्रॉपर्टी नहीं बोलते, हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। तो वो थर्मोडायनेमिक वाली जो है वो कौन सी है, एक तो हीट है, एक इंटर एनर्जी है और है ये एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटर एनर्जी और एंट्रोपी। ये तीन ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनको स्पेशली अगर हम कोई पूछे कि भाई एंट्रोपी से आप क्या समझते हो, तो क्या दिमाग में आएगा, थर्मोडायनेमिक्स। इंटर एनर्जी से आप क्या समझते हो, क्या दिमाग में आएगा, थर्मोडायनेमिक्स। एंथैल्पी से आप क्या समझते हो, क्या दिमाग में आएगा, थर्मोडायनेमिक्स। हीट एनर्जी से क्या समझते हो, क्या दिमाग में आएगा, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन। तो थर्मोडायनेमिक से जब भी बात करेंगे तो हम इन तीन प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी अगर कोई पूछे तो ए है, इसका मतलब जेनिक ग्रुप वाली नहीं है, ऊपर वाली सिस्टम की प्रॉपर्टी है, सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक है। तो दूसरा जो है उसमें राइट आंसर है एंट्रोपी। तीसरा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज मैथमेटिकली स्टेटेड एज। हम अगर बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। तो आप सिंपली पहले जो आपको आपने पढ़ा है उसको समझिए कि अगर हम कोई अमाउंट देते हैं तो वो दो जगह खत्म होता है। पहला है कि वो एटमोसफेयर के अपोज में, ऑन द एटमोसफेयर, ऑन द सराउंडिंग, वो क्या करेगा, एक वर्डन करेगा, इस एनर्जी को यहाँ यूटिलाइज करेगा। हम जानते हैं कि अगर पूरी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही है, जबकि वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी और हाई ग्रेड एनर्जी, लेक्चर में आपको पढ़ाया था। तो मान लो हमने देखा कि वो किसी सिस्टम की इफिशंसी वजह से, किसी और वजह से पूरी पूरी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पा रही है वर्क में, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कुछ एनर्जी हमारी क्या होगी, सिस्टम के अंदर कनेक्ट हो जाएगी एज ए इंटर एनर्जी, तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएगी। तो डी क्यू इक्वल टू क्या होगा, दो जगह बढ़ गया, तो DE प्लस DW, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। DQ डी डब्ल्यू, आप देख पा रहे हो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है।
डी ई इक्वस टू, तो ये गलत, डी क्यू इक्वस टू माइनस में तो होगा ही नहीं, डी डब्ल्यू इक्वस टू जे वाला ए माइनस, यहाँ पर माइनस आना चाहिए वो दिया नहीं है, तो इसलिए ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक, ध्यान दीजिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ डी क्यू पॉजिटिव है इसका मतलब हम हीट दे रहे हैं सिस्टम को, अगर डी क्यू निगेटिव है मतलब सिस्टम हीट ले रहे हैं, इसका मतलब सिस्टम का टेम्परेचर डाउन होगा, अगर डी डब्ल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब हमारा सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है, अगर निगेटिव है मतलब सराउंडिंग हमारे सिस्टम पे वर्क कर रही है, हम इनके बारे में आपको बताया मैंने, और जब पूरा थोड़ा लेक्चर हो गया तो वहाँ पर आप अच्छे समझ पाएंगे। दो तरीके से हम कंडे बनाते हैं, एक थ्योरेटिकली एक एमसीक्यू टाइप, एमसीक्यू में ओपी गुप्ता कवर करते हैं, थ्योरेटिकली में थ्योरी किसी टॉपिक की, उसी टॉपिक के न्यूमेरिकल और उसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन, जैसे कि इसरो, डीआरडीओ, बार्क, आईओसीएल, आरसीएफएल, इन सब के क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो थ्री का ये हो गया राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन है भैया, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद, फर्स्ट लॉ जो है वो किससे डीलिंग करता है, ये क्वेश्चन है। पहला डायरेक्शन ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का एक ड्रॉबैक है कि वो ये तो बोलता है कि सिस्टम को एनर्जी दी, पर वो ये नहीं बताता है कि सिस्टम की एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी, डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता है, इसलिए ये बात गलत होगी। रिवर्सल प्रोसेस, इरिवर्सल प्रोसेस, इनमें से क्या ऑप्शन हो सकता है, तो इसमें क्या है कि दो तीन चीज़ें समझ सकते हैं, एक क्वेश्चन दो तीन तरीके से फ्रेम होता है। पहला तरीका है कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद, तो ऑप्शन होगा एक, उसमें लिखा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, याद रखिए फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स को दो तरीके डिफाइन करते हैं कि सिस्टम में दी जाती है, दो जगह खत्म होती है, मैंने बताया आपको। दूसरा है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो स्टेटमेंट है इक्वल टू एमसी स्क्वायर, तो उस दो स्टेटमेंट के थ्रू हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो इनमें ऐसे दूसरे स्टेटमेंट को पूछ लेगा, एनर्जी वाला, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड वाला, या फिर इस तरीके से एक जो तरीका हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी पूछ लेगा। और तीसरी बात हम आपको बता दें कि जो डायरेक्शन का बताते हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया। दूसरी बात जो है, आप एक चीज़ देख रहे हो कि हम इसको दोनों तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट लॉ को कैसे, सर डी क्यू इक्वल टू क्या है, तो डी ई प्लस डी डब्ल्यू है। अगर कोई सिस्टम रिवर्सिबल है, पहले पॉइंट वन से पॉइंट टू पर जाना है, यहाँ से गया, और अगली बार जो है घूम के आया है पॉइंट टू से पॉइंट वन पर आ गया, अगर दोबारा जो कि तो आ जाता है, सिस्टम रिवर्सिबल है। स्टेट वन की कोई भी, अगर हमारा स्टेट वन है, स्टेट टू है, तो अगर हम देखें तो स्टेट फंक्शन होता है, जैसे कि इनमें से देखो इंटर एनर्जी, तो अगर सिस्टम एक से दो पे गया तो एनर्जी चेंज हो गई, स्टेट चेंज हो गई तो इंटर एनर्जी चेंज हो जाएगी, और दोबारा वापस आ गया उस पर तो दोबारा से एनर्जी वही हो गई, तो डेल्टा निकालेंगे। ठीक, कि डेल्टा ओवरऑल निकालेंगे हम, तो देखेंगे कि डी ई जो है वो हमारा क्या है, जीरो हो जाएगा, और वन से गया वापस आ गया तो स्टेट सेम हो गया, तो डेल्टा ई क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू हो जाएगा, कि अगर कोई सिस्टम ऐसा हो कि रिवर्सिबल हो, कंप्लीट रिवर्सिबल हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी हीट देंगे वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर वही वर्क दोबारा सिस्टम पर किया जाए तो उससे क्या होगी, उतनी हीट क्रिएट होगी जिसको हम बाहर किसी भी यूज में ले सकते हैं। जब बात समझ आ गई, यानी रिवर्सिबल के लिए हम इस तरीके डिफाइन कर सकते हैं, जब बात तो क्लियर सी है। अब हम इसमें क्या काम करें, छड़खानी करें, हम बोले यार देखो ऐसा है रिवर्सिबल नहीं है, तो हम बोल देंगे ठीक है ये वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, तो जो जो कोई स्टेटमेंट जो को तो रह जाएगा डी को सो डी प्लस डी डब्ल्यू। तो आपने एक चीज़ सीखी कि भाई फर्स्ट लॉ जो है वो दोनों केस के लिए अप्लीकेबल है, रिवर्सिबल के लिए भी है और इरिवर्सिबल के लिए है, तो वो तो यहाँ ऑप्शन दिया नहीं है बोथ केस वाला, तो इसलिए राइट इज द आंसर डी, नॉन ऑफ दीज। चलिए थोड़ा पानी पी लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर फाइव हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव है कि एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, कोई कैसी प्रोसेस है, इरिवर्सिबल है। अच्छा, इरिवर्सिबल का मतलब क्या है, इरिवर्सिबल का मतलब है कि भाई मैंने आपको बोला कि कोई सिस्टम है, हमने इसको हीट दी क्यू और इंटर एनर्जी चेंज हुई डेल्टा ई, हीट दी डी क्यू और इसने वर्क किया डी डब्ल्यू। ठीक, तो जब इसने ऐसा किया, इसने कुछ हीट ली, उसका कुछ हिस्सा अपने अंदर रखा, कुछ बाहर निकाला एज ए वर्क, इसका मतलब ये वन से टू पे चला गया। ठीक, क्लियर होगी बात पूरी।
अब इसके पास एनर्जी है वो पहले मुकाबले थोड़ी ज़्यादा एनर्जी है, क्योंकि अब इसकी एनर्जी एजेंट एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है, तो वन से टू पे चला गया। और फिर इस तरीके से हम क्या करें, कुछ चेंज करें टू से वन लाने के लिए, बट ये आए ना, कंप्लीटली यहाँ पर वन पे नहीं आए, इसका सिस्टम इरिवर्सिबल है। ये कब होता है? ये तब होता है कि जैसे हम क्या करें कि हमारे पास 10 रुपये से मैंने कोई सामान खरीदा, हमने सामान खरीदा 10 रुपये दिए, सामान ले लिया, और दूसरे भाई ने बोला एक काम करो, नहीं मेरा मन नहीं है, सामान तुम मुझे वापस करो, वापस ले लो अपना और 10 रुपये मुझे वापस करो, मुझे तुम्हारा सामान नहीं खरीदना। ठीक, तो हमारे पास 10 रुपये के पूरे 10 रुपये हैं तब तो हम वापस कर सकते हैं, बट अगर 2 रुपये की हमने क्या किया चीज़ खा ली है तो हमारे पास 8 रुपये हैं, तो अब हम 8 रुपये जो हैं वो 8 रुपये नहीं लेगा, वो बोले भाई मुझे पूरे 10 रुपये चाहिए सामान, तभी हम वापस करेंगे। तो चीज़ें तभी रिवर्स होगी जब जो प्रॉपर्टी थी बिल्कुल वैसी उसको वापस की जाए। जैसे यहाँ पर हम बात करें, हमारे पास कोई पिस्टन सिस्टम है इस तरीके से, ठीक, हमने कुछ इस पर वर्क किया, वर्क करने पर उसके टेम्परेचर कुछ चेंज आ गया, अरे हम कंप्रेस करेंगे तो वर्क करेंगे तो वो क्या होगा, उसकी इंटरनर्जी को बढ़ाएगा, इंटरनर्जी को बढ़ाएगा, अगर मान हीट हम बाहर रिलीज नहीं कर रहे हैं तो इंटरनर्जी बढ़ाएगा, अगर हम उतना ही टेम्परेचर डाउन कर दें दोबारा से, मैंने कहा हम पुश करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनर्जी बढ़ेगी, अब हम दोबारा से टेम्परेचर डाउन करें तो ये जितना पिस्टन ऊपर से आया था उतना नीचे नहीं, दोबारा से ऊपर नहीं जाएगा, कुछ थोड़ा सा कम रह जाएगा, मान लो 2 सेंटीमीटर नीचे आया, बट ऊपर उठाएंगे उतनी एनर्जी वापस करके तो 1.8 ही ऊपर उठ पाए, क्यों, क्योंकि कुछ एनर्जी इसने लॉस कर दी, बात समझे। तो यहाँ पर क्या है कि पिस्टन वाला कोई भी केस ले लेते हैं तो हम देख पा रहे हैं भाई वहां पर अगर हम द्वारा चेंज योग्य तो नहीं कर पा रहे हैं तो प्रोसेस हमारी इरिवर्सिबल है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इज द एनालॉग ऑफ लीनियर फ्रिक्शन लेस मोशन इन द मशीन। अगर कोई मशीन ऐसी है जो फ्रिक्शन लेस, जैसे कि पिस्टन का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, अगर वो फ्रिक्शन लेस है तो मशीन कैसी फ्रिक्शन लेस है तो क्या वो इरिवर्सिबल होगी? नहीं, इरिवर्सिबल नहीं होगी। अगर फ्रिक्शन लेस है तो इरिवर्सिबल कैसे होगी? फ्रिक्शन लेस मोशन है उसके अंदर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर फ्रिक्शन लेस मोशन है मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, मतलब कोई एनर्जी एक्स्ट्रा लॉस नहीं हो रही है, पूरी पूरी एनर्जी बनी हुई है किसी दूसरी फार्म में, तो इसलिए हम उसको कन्वर्ट कर पाएंगे, तो प्रोसेस रिवर्सिबल होगी, इरिवर्सिबल नहीं होगी, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। अगर कोई बॉडी अगर फ्रैक्शन लेस है इसका मतलब है कि वो रिवर्सिबल है, अगर वो फ्रैक्शन लेस नहीं है मतलब एक्चुअल बॉडी है, रियल बॉडी है, तो इसका मतलब वो कंप्लीटली रिवर्सिबल नहीं हो सकती, वो इरिवर्सिबल ही है। तो ये फ्रैक्शन लेस है मतलब ये रिवर्सिबल होनी चाहिए, बट ऑप्शन क्या दिया है, इरिवर्सिबल। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, इट इज एन आइडियलाइज विजुअलाइजेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ सिस्टम, किसी सिस्टम का बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा बोलना ईड ले द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क। दो प्रकार से हम देख सकते हैं, एक तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये तो खैर ये कुछ नहीं भी, क्यों बोला है, सिंपल बोला कि सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं तो वो सिस्टम ऑब्जर्व कर सकते हो, उसको बिहेव कर सकते हो, तो वो इरिवर्सिबल, ये कोई बात नहीं बनी। सी में कह रहा है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस ईल्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क, यानी जे जहाँ पर हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क कर सकते हो वो प्रोसेस इरिवर्सिबल है। तो इरिवर्सिबल रिवर्सिबल का कोई लेना देना है क्या वर्क से? अरे मैंने आपको बताया कोई सिस्टम है उसमें हमने कोई हीट दी है, ठीक, और वो कन्वर्ट हो जाएगा वर्क में, अगर डेल्टा ई इसका क्या है, जीरो है, डेल्टा ई जीरो मतलब क्या, रिवर्सिबल है तो मैक्सिमम मुझे वर्क मिलेगा, 40 जूल हमने हीट दी है तो 40 जूल वर्क मिल जाएगा भाई। अगर रिवर्सिबल नहीं होती, रिवर्सिबल होती तो अमाउंट मुझे कम मिलता। क्वेश्चन सी में कह रहा है कि भाई हमारा अमाउंट मैक्सिमम है, तो आपको मान नहीं भाई मैक्सिमम तो रिवर्सिबल में होता है, ये तो इरिवर्सिबल का सेंटेंस बोल रहा है, तो ये गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन कह रहा है ईल्ड एन अमाउंट ऑफ वर्क लेस देन दैट ऑफ द रिवर्सिबल वर्क, बिल्कुल अभी यही तो एक्सप्लेन हमने किया आपको, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि भैया यहाँ पर अमाउंट मुझे कम मिलेगा किसके मुकाबले में, रिवर्सिबल के मुकाबले में, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी और रट्टा मारने की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ रही होगी, इसमें कोई भी जरूरत आपको रट्टा मारने नहीं पड़ेगी।
हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन करवाएंगे, गेट के क्वेश्चन करवाएंगे, बीटेक क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन 100% करवाएंगे और ऐसे ही करवाएंगे, ठीक है, चिंता मत करिए। इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस कैसी होती है? पहले आपसे कह रहा हीट ट्रांसफर इज जीरो, एडियाबेटिक प्रोसेस कैसी होती है? हीट ट्रांसफर जीरो होता है, ये बात तो सही है, बट एडियाबेटिक का मतलब ऐसा नहीं कि हीट ट्रांसफर जीरो होता है, उसका मतलब होता है हीट एक्सचेंज जीरो होता है, बात समझे? पहली बात, अगर हम इस बात को भी सही मान लें तो ठीक, आगे पढ़ते हैं। टेम्परेचर चेंज इज जीरो, भैया देखो ऐसा है, एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज होता है, क्योंकि मैंने बोला कि देखा, आप एग्जाम्पल दिया होगा क्रिस्टलाइजेशन में, जब मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टलाइजेशन में हमारा जो क्रिस्टलाइजर होता है वो एसिड एडजेसेंट टाइप क्रिस्टलाइजर होता है या फिर वैक्यूम क्रिस्टलाइजर होता है, तो इन दोनों में क्या एडियाबेटिक एवापोरेशन कूलिंग होता है, वहाँ पर जो गर्म पार्टिकल जाते हैं, मैग्मा जाता है, तो वो वैक्यूम में क्या होता है, फ्लैश होता है, तो फ्लैश होने के लिए वेपर कन्वर्ट करने एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी सोल्यूशन से ही लेता है, बाहर से नहीं लेता है, बाहर सिस्टम इंसुलेटेड होता है, कम से कम उसमें ऐसे मान लो कि 2 इंच मोटे इंसुलेशन लगा होता है उसके ऊपर, क्रिस्टलाइज के ऊपर, तो जो भी हीट उसे चाहिए एवापोरेट होने के लिए वो मिक्सचर की लेता है, जिससे मिक्सचर कूल होता है, मैं क्या बोला, कूल होता है, अगर टेम्परेचर डाउन होता है, तो मेरे प्यारे ये बात तो गलत हो गई, ये टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, टेम्परेचर चेंज जीरो नहीं है। अगला, वर्क डन इज पाथ फंक्शन, चलो ये बात भी सही है इनकी कि एडियाबेटिक प्रोसेस कैसी है, वर्क डन कैसा है, पाथ फंक्शन, अरे भाई ये तो बात सही है, वर्क डन तो पाथ फंक्शन है, अगर आपने पाथ चेंज कर लिया तो जो वर्क डन है वो चेंज हो जाएगा, आपने क्वेश्चन किए हुए नहीं किए हुए तो आप फुल समय ले लिए थ्योरी का, बात समझ में आ जाएगा, तो ये बात सही है। ठीक, अगला पढ़ते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस एंथैल्पी रिमेंस कॉन्स्टेंट, देखो अब जो वर्क डन का लेना देना एडियाबेटिक से है कुछ, एडियाबेटिक से नहीं है ना, एडियाबेटिक का क्या, जो बोले भाई हीट एक्सचेंज हमारा जीरो होता है, ये बात समझ में आती है, ठीक, ये डायरेक्ट लिंक उस डिफरेंस से लिंक करता है, एंथैल्पी रिमेंस कॉन्स्टेंट, राइट, एंथैल्पी यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहती है, कौन से केस में, जो हमारा एडियाबेटिक केस है, एंथैल्पी कॉन्स्टेंट रहती है, कैसे रहती है सर, हमें नहीं समझ आया, बता देते हैं, देखिए कैसे रहती है, किसी भी एक स्टेट है 1 और 2, तो पहले स्टेट में एंथैल्पी होता है क्या, एच इक्व टू ई प्लस पी वी, यही होता है एंटर एनर्जी प्लस पीवी एनर्जी, पीवी एनर्जी क्या होता है, ओपन सिस्टम के लिए फ्लो वर्क होता है, और क्लोज सिस्टम के लिए सिंपल मल्टीप्लाई ऑफ पीओवी का होता है, मान लो हम ईवन बोल देते हैं इसको, वीवन बोल देते हैं इसको, एसन बोल देते हैं, दूसरे कंडीशन पहुंच गए तो ई टू पी बी टू, अगर हम घटा दें दोनों इक्वेशन को, एस टू माइनस एच वन करें तो यहाँ डेल्टा एच मिल जाएगा मुझे, एस टू माइनस एच वन, यहाँ डेल्टा ई मिल जाएगा, मतलब ई टू माइनस ई वन, और पी डेल्टा बी मिल जाएगा, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी को, ध्यान दीजिए पी इंटू बी कुछ नहीं है, फ्लो वर्क है, ठीक है, बट पी इंटू डेल्टा बी जब बोल दिया तो डायरेक्टली ये वर्क हो गया, सिंपल वर्क हो गया, कंप्रेसिव वर्क हो गया, कहीं पर कंप्रेस करना है, एक्सपेंशन करना है, ये वर्क हो, डायरेक्टली वर्क हो गया, तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, तो ये रिलेशन है, बट आपको ये भी पता है कि डी क्यू इक्व टू डेल्टा ई प्लस डी डब्ल्यू, इसको ऐसे लिख लो, अब देखो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं एडियाबेटिक की, तो डी क्यू जीरो होता, हीट ट्रांसफर कितना हुआ, जीरो हो गया, ठीक, तो डी डब्ल्यू इक्व टू माइनस डी ई, हमारी बात समझ रहे हो, अगर इसको यहाँ पर प्लेस करो डी डब्ल्यू इक्व टू माइनस डी ई डेल्टा ई, तो क्या हो जाएगा, तो जो हो जाएगा डेल्टा एच इक्व टू डेल्टा ई और माइनस डेल्टा ई, खत्म हो गया, खत्म हो गया, तो ये क्या बचा, डेल्टा एच इक्व टू जीरो, ठीक, तो ए बिल्कुल सही बात है, एडियाबेटिक केस में डेल्टा एच जीरो होता है, एंथैल्पी कॉन्स्टेंट रहती है। देखो एक बच्चा पूछ रहा है, सर आप कह रहे हो सर ए वाली बात सही है, तो ऑप्शन क्यों नहीं है, भाई हमें एक्यूरेट आंसर देना है ना, हम क्या बोले एडियाबेटिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उसी को जो उससे मोर सेटिस्फाई करेगा वही तो आंसर टिक करेंगे, आया ना, एच इक्व टू यू प्लस पी बी या फिर ई प्लस पी बी, ये स्टेटमेंट होता है, कह रहे हैं कि एंथैल्पी एच डिफाइन एच एच इक्व टू ई माइनस पी बी, भाई गलत, काट दो,
एच इक्वल्स टू एफ माइनस डी, अरे जे बहुत दूर की बात हो गई, इसको हटाओ। क्यों इसको हटाओ? रिलेशन एच और टी और एस और हेमिल्टन सब में है, बट हम बोले डिफाइन एज, समझ गए? डिफाइन जब भी बात करेंगे, बेसिक रिलेशन के बारे में बात करेंगे। अब यहां देखो एच माइनस ई इक्वल टू पी बी, हाँ ये बात सही है, आप ई उधर ले जाओगे तो ई प्लस पी बी बन जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर। कोई डाउट पूछा? नहीं डाउट, मजा आ रहा है पूरा, बिल्कुल। कोर्स ज्वाइन करोगे? देखो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं कि भाई जिनको लगता है कि हमें कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, देर से करना है, तो मैं पक्का बता रहा हूँ आप पछताओगे। इसकी वजह ऐसी नहीं, डाटा है इसके हमारे पास। जिन जिन स्टूडेंट को मैंने बोला कि भाई कोर्स ज्वाइन करो, अब उन्होंने बाद में ज्वाइन किया, एक सब्जेक्ट ज्वाइन किया, उनको तुरंत महसूस हुआ 2 दिन के अंदर कि हमने गलती करी, हमें कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ 3 महीने के अंदर आपकी जॉब लग जाएगी किसी भी जगह पर, 3 महीने के अंदर। 3 महीने के अंदर इसलिए बोल रहा हूँ, 10 सब्जेक्ट हमारे पास थ्योरी तैयार है, थ्योरी मतलब थ्योरी न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको आपने कर लिया फिर लाइफ झिंगा लाला, समझ गए? तो इसको बिल्कुल भी मतलब संदेह मत लेना और तुरंत ज्वाइन करो। चलिए क्वेश्चन है, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन वर्किंग ऑन कार्नाट साइकिल। भाई हीट इंजन तो कार्नाट साइकिल पर काम कर रहा है, ठीक है, मतलब उसके ऐसी इफिशियंसी भी काम करता है। बिटवीन टू टेम्परेचर लेवल डिपेंड्स अपॉन, दो टेम्परेचर लेवल पर डिपेंड करता है वो काम कर रहा है, T1 मान लो T2, दो टेम्परेचर है उन पर काम कर रहा है, तो उसकी इफिशियंसी किस पर डिपेंड करती है, ये क्वेश्चन है। चलिए तो आप लोगों को नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं हीट इंजन के बारे में। एक साइंटिस्ट थे सादी कार्नाट, उन्होंने हीट इंजन के बारे में बात कही, ठीक। यहाँ पर दो प्रकार की हीट थी, इसके पास मान लो हम हीट दे बात कर रहे हैं Q1 और इसके बाद बात कर रहे हैं Q2। Q2 लोअर लेवल एनर्जी का है, यहाँ पर रिमेनिंग एनर्जी को फेंका जाता है, डंप किया जाता है, यहाँ जो सोर्स एनर्जी का Q2 है, ठीक। ये मतलब ऐसे मान लो कि Q1 जो है वो ज़्यादा है Q2 से, राइट। अगर ऐसा है तो हीट इंजन की इफिशियंसी सादी कार्नाट के अकॉर्डिंग, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन विद रेस्पेक्ट टू द कार्नाट साइकिल क्या होती है, 1 - Q2 - Q1, Q2 मतलब कम वाला, ठीक। कार्नाट ने दो इक्वेशन दी, उन्होंने बोला देखो भैया आप H2/H1 बोलो या फिर T2/T1 बोलो, दोनों बातें तो सेम है, मगर रेशियो इनका सेम है, इन्होंने ये बताया इनका रेशियो क्या है, सेम है, इन्होंने ऐसा बोला। और इन्होंने भी बताया कि भाई अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो फिर 1 - T2/T1 इसको आप ऐसे ले सकते हो, बात समझ गए बात को, ऐसे लिख सकते हो, परफेक्ट ले सकते हो। ये कहाँ से ले सकते हो, इन इसको और इसको बोलते हैं सादी कार्नाट इक्वेशन, ठीक, कार्नाट इक्वेशंस बोलते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन ये जो है वर्क की जो डिफिनेशन है लॉग और टेम्परेचर रिलेशन में वहाँ से प्रूफ होती है। तो आप देख रहे हो एफिशिएंसी टेम्परेचर द्वारा डिफाइन हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर ये वैल्यू सिर्फ T1 और T2 पे ही डिपेंड कर रही है। ये किसका फंक्शन है, T1 और T2 फंक्शन, क्या एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, समझ गए बात। तो क्वेश्चन जो कह रहा है कि एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, तो आप समझ गए होगे, टू टेम्परेचर ऑनली, तो ये बात सही है। प्रेशर ऑफ वर्किंग फ्लूइड नहीं, मास ऑफ वर्किंग फ्लूइड नहीं, मास ऑफ प्रेशर बोथ ऑफ वर्किंग फ्लूइड नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम पढ़ते हैं, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम कंप्राइजिंग लिक्विड वाटर इक्विलियम विद वेपर। कह रहा है कि एक सिस्टम है इस तरीके से और उसमें लिक्विड है, और ये क्या है, ये वेपर है, ये लिक्विड है और ये वेपर है, और दोनों कैसे आपस में इक्विलिब्रियम में है, राइट। और वाटर ऊपर वेपर है वो भी वाटर की है, यानी फार्मूला होता है F=C - P+2। सी क्या है, इस सिस्टम में कितनी केमिकल स्पीसीज हैं, पानी एथेनॉल वगैरह कितनी केमिकल, तो हमने बोला भाई एक ही है, तो कोई बच्चा सर दो है ना सर, वेपर और एक स्टीम है सर, एक पानी है। अरे भाई स्टीम किससे बनाई है, पानी से। स्टीम का फार्मूला क्या होता है, H2O। पानी का फार्मूला क्या होता है, H2O। तो दोनों फार्मूला सेम है, तो केमिकल स्पीसीज क्या हुई, सेम हुई, इसलिए सी की वैल्यू होगी वन। फेज, फेज क्या होता है सर, फेज होता है अवस्थाएं, सॉलिड लिक्विड गैस, तो कितनी अवस्था है, एक तो लिक्विड है और ऊपर का गैस है, नीचे का लिक्विड है ऊपर का गैस है, तो कितनी हुई, दो। तो निकाल लो ना भैया, सब आपने सॉल्व कर दिया, इक्वल टू वन, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई वन। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पे,
हम उनके बारे में बात की है मैंने फटानक में, तो जरूर ज्वाइन करिए हमारे कोर्स को। वहाँ पर हम आपको क्रिस्टलाइजेशन में, डिस्टिलेशन में, हीट एक्सचेंजर में, इन सब में एजोटॉपिक मिक्सचर है तब, सिलेक्टिविटी उसकी डाउन है तब, अगर एक्सट्रैक्टिव मिक्सचर है तब, कैसे वैरायटी होती है उसकी, वो हम सब बात की है डिग्री ऑफ फ्रीडम की। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर T1 एंड T2, दो टेम्परेचर है T1 और T2। कह रहा भाई T1 जो है ना वो कम है T2 से, तो मैंने कह रहा जो मैं जानता हूँ 1 माइनस ऊपर जो रहेगा ना ऊपर वो कम वाला रहेगा, तो T2 वो T1 अपॉन T2। ये टेम्परेचर ऊपर वाला कौन सा है, दो टेम्परेचर में जो कम है वो ऊपर है, ज्यादा है वो नीचे है, तभी तो एफिशिएंसी 100 से कम होगी। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, T2 माइनस T1, देखो जब पॉजिटिव आना चाहिए ऊपर का रिलेशन और नीचे T2 ए है, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एफिशिएंसी 100 आ जाएगी। तो T2 माइनस T1 अपॉन T2, एक तो जेब निकल जाएगी आपकी पहले और इस पे जाएगी, मगर नीचे क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग T2 होना चाहिए, तो ए द राइट आंसर। मैं आपको बता दूं एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, शादी कार्नाट का जो हीट इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी 35% ज़्यादा नहीं होती है, एफिशिएंसी 0.35 या 35% मैक्सिमम होती है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, तो मेरे प्यारे मुझे लगता है कि आपको ये पूरी बात हमारी समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था Q1 और Q2, ये जो है ना ये इनपुट हीट है और ये जो है आउटपुट हीट है, हीट आउटपुट, इसी वजह से हीट आउटपुट है, लो लेवल एनर्जी है तो इसका टेम्परेचर है जो भी हमारे T2 वाली है T1, इस केस में हमने ये लो माना है T2 को, तो T2 कम होगा T1 से। यहाँ पर जो डिफाइन हम कर देंगे कि भाई T1 ज़्यादा है T2, उसके साथ परिभाषा बन जाएगी, फॉर्मूला हम सेट कर लेंगे और फिर उसे मैच करेंगे ऑप्शन में। तो मुझे लगता है कि आपको मजा आया होगा, आपको चीज़ें समझ आई होंगी और आपको लगा होगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि तो पहले हमने जो पढ़ाया था वहाँ पर ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं था, बट अब ऑडियो वीडियो सुपर क्लियर है। हम आपको चीज़ों के फिगर भी दिखाते हैं यहाँ पर, अगर हम देखेंगे कोई क्वेश्चन आपको मशीन दिखाएंगे कुछ दिखवाएंगे तो वहाँ पर उसका फिगर दिखाएंगे आपको, प्रॉपर समझाएंगे। तो ज्वाइन करिए हमारे कोर्स को, और सबसे पहले मैं तो आपको बोलूँगा तो 10 सब्जेक्ट हमारे थ्योरी के उनको ज्वाइन करिए, क्योंकि उनके पढ़ने के बाद ओपी गुप्ता आप खुद से पूरी सॉल्व कर सकते हैं, जो मेरी गारंटी है। और हमारे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का ऐसा फीडबैक है, इंडिया में 1100 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे पास पढ़ रहे हैं, उनमें से 50 से 60 स्टूडेंट BSc वाले हैं। BSc वालों के लिए हमारा कोर्स बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम उनको बिल्कुल बेसिक समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो कंटेंट लें थ्योरी वाला, इसको लेने के बाद ओपी गुप्ता जब आप लोगे तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मान लो कोई सब्जेक्ट 500 का है तो आपको 400 समथिंग में या फिर 350 समथिंग में मिल जाएगा, तो भाई बहुत ही अच्छा है। ऐसे माने चलो कि हम पूरी तैयारी में मात्र 7 से 8 हज़ार रुपये लेते हैं और पूरी तैयारी ख़त्म करवा देते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम टेस्ट सीरीज भी लेते हैं, टेस्ट सीरीज आप हमारी पास कर लेने का मतलब है कि आपका सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में हो जाना। तो ज़रूर ज्वाइन करिए हमारी क्लास को। देखो आपका जो सपोर्ट है आज कल केमिकल इंजीनियरिंग के भविष्य को बहुत ही गोल्डन करने वाला है, तो हम आपका स्वागत करते हैं। हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए केमिकल गुरु टेक्निकल के लिए और ISCA नॉन टेक के लिए। ठीक, दोनों पे हमारे टीचर बहुत ही सुपर तरीके से आपको पढ़ाते हैं, और केमिकल इंजीनियरिंग को सिर्फ हमने पढ़ाया अपने 10 सब्जेक्ट में और आपको अच्छे समझाए। ठीक, तो कोई भी डाउट हो हमारा नंबर है 9897997874, इस पर व्हाट्सअप करिए, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। कोई सी भी प्रकार की आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, हम बहुत ही प्यारे तरीके से आपको पढ़ाते हैं। नमस्कार।